दिनेश काका नमस्ते। किशन बेटा तुम्हें याद कर रहा था। कैसा लग रहा है बंदोबस्त? बहुत बढ़िया, तुम्हारे बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं। सोच के आए थे कि इतने अच्छे घर में रिश्ता जुड़ा है, बारातियों को कम से कम सोने के सिक्के मिलेंगे ही, लेकिन तुम्हारे पापा ने चांदी के सिक्के से निपटा दिया। हाय सोनम। हाय केसर, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आप दोनों को राजकौर परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये मासू ने भिजवाया तुम्हारे लिए आशीर्वाद। तुम बैठो, मैं दिनेश काका के पास जाती हूँ। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई बूहे किसे होर ली तू खोल ना कबीर। सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई ओ शायर जानी जरूलाओगे बड़ा पछताओगे। ये कौन सा घटिया सा बैंड बुलाया है? पूरा पैसा तो दिया है ना? ओ भाई, खुशी के मौके पे ऐसे क्या उल्टा सीधा राग अलाप रहा है? कुछ ढंग का सुना दे। ये यहाँ क्या कर रहा है? दो प्रेम करने वालों को मिलाना बहुत पुण्य का काम है ना? Shut up. Thank you. हैं? क्यों? तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? पर अब हमने क्या किया? ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से दिनेश काका के पूरे 25,16,254 रुपीस का नुकसान हुआ। तुम सोनम की प्रॉब्लम सीधे तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते थे ना? नहीं मतलब कर तो सकते थे, पर वो क्या है ना कि हम ठहरे शकुंतला देवी के सुपुत्र, तो हमें भी थोड़ा टेढ़ा ही समझ में आता, समझी? मैं तो समझ गई, पर तुम सोचो अगर अभी कोई आके तुम्हें झाड़ू से मार मार के सीधा कर दे तो? ऐसा कोई है ही नहीं जो हमें हाथ लगा सके। अरे कोने में अम्मा। अपने पसंद की शादी करेगा? अम्मा क्या बताए बिना? अम्मा कहाँ है, सबके सामने मार मार के हमारी इज्जत का फलूदा कर रही है। हाँ छोड़, दिन रात अमीर बनने की सपना देखते हैं और उसकी चाबी तू है। लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं तुझ पे, दहेज में वसूलेंगे ये सोच के बैठे थे, पर तेरी अलग ही खिचड़ी पक रही है। हाँ छोड़। हाथ कहाँ पकड़े, झाड़ू पकड़े हम तो। कौन खोल के सुन ले तू, तेरे लिए लड़की ना हम ढूंढेंगे समझा, और आज तुझे हम इतना सूटेंगे कि अपने आप से कभी लड़की ढूंढने के बारे में सोचेगा भी नहीं। कुछ भी करो अगले कहाँ तक भाग के तू जाएगा, आएगा तो घर ही ना आना, जम के सूटेंगे तुझे हम। अरे बा, मैं चाय बनाने ही वाली थी बस। अरे चाय तेरे हाथ से बने या मेरे हाथ से, चाय तो चाय ही रहेगी ना अंबिका बहू। आपके घुटनों में थोड़ा तेल लगा दूं? नहीं, तू अपनी चिंता केसर से छिपा सकती है, माराथी नहीं छुपा भी सको। केसर 21 साल की होने वाली है, सूरज भी लंदन से वापस आने वाला है। 20 साल पहले तूने जो संकल्प लिया था वो पूरा कर पाएगी कि नहीं, केसर तेरी बहू बनेगी या नहीं, ये जानने का समय नजदीक आ रहा है अंबिका बहू। 20 साल पहले भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कहूंगी, मेरा संकल्प सूरज और केसर के मन को बांधने वाली जंजीर नहीं बनेगा। इनकी शादी तब होगी जब ये दोनों उसके लिए तैयार होंगे। सोच के देख,
जिस लड़की की वजह से सूरज 20 साल अपने घर परिवार से दूर रहा, क्या उस लड़की को तेरा बेटा पत्नी के रूप में अपना पाएगा? मैडम जी, क्वीन कहते हैं मुझे। क्वीन जी, इतने सारे पैसे दे रही हैं आप हमें, तो काम तो थोड़ा टेढ़ा होगा ना। आज से ठीक एक महीने बाद केसर 21 साल की हो जाएगी, और उससे पहले वो हमें चाहिए, वो भी जिंदा। केसर को तुम पर भरोसा है, तो ये काम करने में तुम्हें आसानी होगी, है ना? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, 50 लाख रुपए दे रही हैं आप हमें, एक महीने से पहले ही आपको लाके दे देंगे जिंदा। यही उम्मीद थी तुमसे। अभी चलते हैं हम, टाटा बाय भैया जी। पर कभी अगर मुझे धोखा देने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आए, तो आज जो पिक्चर तुमने देखी है उसे याद कर लेना। मैडम जी, क्वीन कहते हैं मुझे। क्वीन जी, इतने सारे पैसे दे रही हैं आप हमें, तो काम तो थोड़ा टेढ़ा होगा ना। आज से ठीक एक महीने बाद केसर 21 साल की हो जाएगी, और उससे पहले वो हमें चाहिए, वो भी जिंदा। केसर को तुम पर भरोसा है, तो ये काम करने में तुम्हें आसानी होगी, है ना? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, 50 लाख रुपए दे रही हैं आप हमें, एक महीने से पहले ही आपको लाके दे देंगे जिंदा। यही उम्मीद थी तुमसे। अभी चलते हैं हम, टाटा बाय भैया जी। पर कभी अगर मुझे धोखा देने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आए, तो आज जो पिक्चर तुमने देखी है उसे याद कर लेना। आपका बीपी आजकल वैसे ही लो रहता है, ऊपर से ये व्रत। मुझे मेरे पति के लिए व्रत रखने से कोई रोक नहीं सकता, ना ब्लड प्रेशर और ना ही आप लोगों का इमोशनल प्रेशर। केसर, केसर, अब मजा चखाती हूँ इसे मैं। ऐसा घनघोर अनर्थ, वो भी गौरी व्रत की पूजा में।
शू थयो हेतल काकी शू थयो अंबिका भाभी जयती बेन जिनल भाभी पा अरे बताओ इस लड़की को कि कितना बड़ा पाप है ये। ये केसर की काकी है सासबहू सीरियल की विलन। शू थयो हेतल वो क्यों चिल्ला रही है क्या हुआ हेतल? अंबिका भाभी देखिए आप खुद देखिए इस केसर ने कितना बड़ा अपशगुन किया है। आप खुद देख लो। अरे इस पूजा की सामग्री में टूटे हुए चावल रखे इसने। अंदाजा भी है तूने क्या किया है? कितना बड़ा अनर्थ है ये। हम सब ये व्रत अपने पति के लंबे जीवन के लिए रखते हैं। अरे हमारे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले पति के लिए, अपने व्रत के लिए तो ध्यान रख सकती थी ना तू। बस कर जयती, इतनी गलती के लिए इतनी डांट काफी है। बा अगर इस गलती के वजह से हमारा व्रत सफल नहीं हुआ होता तो, अगर हेतल भाभी का ध्यान इन टूटे हुए चावलों पर नहीं पड़ा होता तो क्या होता बा? ये टूटे हुए चावल हेतल काकी के कपड़ों पे कैसे? हेतल काकी जीनल काकी फोई बा बा आपका बीपी आजकल वैसे ही लो रहता है, ऊपर से ये व्रत। मुझे मेरे पति के लिए व्रत रखने से कोई रोक नहीं सकता, ना ब्लड प्रेशर और ना ही आप लोगों का इमोशनल प्रेशर। केसर केसर अब मजा चखाती हूँ इसे मैं। ऐसा घनघोर अनर्थ वो भी गौरी व्रत की पूजा में। शू थयो हेतल काकी शू थयो अंबिका भाभी जयती बेन जिनल भाभी बा अरे बताओ इस लड़की को कि कितना बड़ा पाप है ये। ये केसर की काकी है सासबहू सीरियल की विलन। शू थयो हेतल वो क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ हेतल? अंबिका भाभी देखिए आप खुद देखिए इस केसर ने कितना बड़ा अपशगुन किया है। आप खुद देख लो। अरे इस पूजा की सामग्री में टूटे हुए चावल रखे इसने। अंदाजा भी है तूने क्या किया है? कितना बड़ा अनर्थ है ये। हम सब ये व्रत अपने पति के लंबे जीवन के लिए रखते हैं। अरे हमारे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले पति के लिए, अपने व्रत के लिए तो ध्यान रख सकती थी ना तू। बस कर जयती, इतनी गलती के लिए इतनी डांट काफी है। बा अगर इस गलती के वजह से हमारा व्रत सफल नहीं हुआ होता तो, अगर हेतल भाभी का ध्यान इन टूटे हुए चावलों पर नहीं पड़ा होता तो क्या होता बा? ये टूटे हुए चावल हेतल काकी के कपड़ों पे कैसे? हेतल काकी जीनल काकी फोई बा सो तो है पर हमारे लिए बरत ना
हमारे पति देव रखे हैं हमारे लंबी उम्र के लिए। अच्छा, वो कहते हैं कि शकुंतला जी आपके बिना हम जी के भी क्या करेंगे। पर एक बात कहे अंबिका जी, आपके यहाँ का ये सब पूजा उजा ना बहुत ही बढ़िया होता है, कमाल का। अम्बे माँ की कृपा है। अपना केसर बिटिया ने भी परत रखा है का जी? अंबिका बहन एक बात बोले, वो जो बरसों पहले हमने केसर बिटिया के लिए कहा था उसके लिए आज भी दुख है हमें। सच्ची जो बीत गया सो भूल जाइए। वैसे भी अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ होता तो हो सकता है मेरी केसर इतनी समझदार बनी नहीं पाती। ये सब क्या गा रहा है कबीर? जय माता दी। कबीर तुम रहने दो, मैं बताती हूँ श्रद्धा और भक्ति से भजन कैसे गाया जाता है। चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? तुझे से मांग करुणा मई, तुझे से मांग दाता समझ रहे केसर, केसर केसर बात बहुत केसर 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 राजकौर परिवार की इज्जत इस लड़के के ऊपर लुटाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? काकी आप
आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जीनल का कि फोई आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है और क्या नहीं ये अब परिवार तय करेगा। चल मेरे साथ, चल। सब गलत समझ है, मुझे इन्हें रोकना होगा। एक अनाथ बच्ची को घर की बहू बनाने के लिए अपने सगे बेटे को परिवार से दूर करना कहां की समझदारी है ये? दूर तो करना ही था ना बा, आज नहीं तो 4-5 साल बाद इसे लंदन पढ़ाई के लिए भेजना ही था हमें। आपने मुझे वो भगवान श्री राम वाली कहानी सुनाई थी ना, जिसमें वो 14 इयर्स के लिए जंगल चले गए थे और उन्होंने अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया कि वो उन्हें क्यों भेज रही हैं। वैसे ही मैं भी आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा माँ। आज से 8 साल पहले तुमने केशव को किडनैप होने से बचाया था, थैंक यू। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है यार, तुम तो ऐसे ही फॉर्मल। जरूरत है, अगर उस दिन केशव को कुछ हो जाता तो मेरी माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, इसलिए तुमने केसर की नहीं मेरी मां की मदद की थी। एक बात और, मां चाहती है कि केसर इस घर की बहू बने, पूरा शहर उसे राजगौर परिवार की होने वाली बहू के रूप में ही दिखता है। अगर किसी वजह उस पर कोई सवाल उठा तो वो सवाल मेरी मां पर भी उठेगा और मैं वो सहन नहीं करूंगा। सो प्लीज केसर से दूर रहना। बस इतनी सी बात। ओके थैंक्स। एक सवाल पूछना है। पूछो। तुम केसर से शादी अपने लिए कर रहे हो या अपनी मां के लिए? क्या कहा कबीर ने, केसर से शादी? केसर आइया हूं जरा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, हैव अ गुड डे नाउ। आई एम हियर मां, आपका सूरज वापस आ गया है, अब तो आंसू पोछ लो। ये खुशी के आंसू है। वैसे आज तूने जो केसर के लिए किया, माँ इन सब बातों के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, इस वक्त मुझे बस आपकी गोद में सिर रखकर सोना है, बस सोना है मुझे। तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आंखों में
तुझको मैं दू सब जो चाहे तू। कहाँ खो गई केसर? चाय उबलने वाली थी। सॉरी मासू, बस ऐसे। अदरक और सौंफ वाली चाय? आ सूरज ने बहु भावे छे। मैं जब भी लंदन जाती थी ना, मुझसे यही चाय बनवाता था। आपने बताया था मासू, इसीलिए बनाई है। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। नन्ना सा था जब लंदन जाने की बात पर इतनी समझदारी से बोला, मैं जाऊंगा माँ। और आज पढ़ाई खत्म करके वापस भी आ गया। माँ? सूरज। जय अंबे माँ। जय अंबे माँ बेटा। जो तुझे जैसे पसंद है ना, बिल्कुल वैसी अदरक और सौंफ वाली चाय बनाई है केसर ने। ला बेटा। ले। शू थयु सूरज? माँ मुझे आपके हाथ के बने हुए चाय पीनी है। केसर ने तेरे लिए चाय। इट्स ओके मासू, कोई बात नहीं। ठीक है तू जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ। इतने सालों बाद घर आया ना, इसलिए माँ के हाथ का स्वाद चाहिए। मैं समझ सकती हूँ मासू, सूरज आपको मिस कर रहे होंगे। आप मेरी और केसर की बात कर रही हैं। समय आ गया है, केसर 21 की होने वाली है। पर मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगी, मेरा संकल्प तुम दोनों के मन को बांधने वाली जंजीर नहीं बनेगा। तुझे केसर से शादी करनी है या नहीं, इसका निर्णय तू लेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तूने केसर का साथ दिया। एक बात पर साथ देने में और जीवन भर साथ निभाने में बहुत अंतर होता है भाभी। केसर को जानना पहचानना तो दूर, सूरज आज तक उससे कभी मिला तक नहीं है, ना ही कोई बातचीत हुई है। लंदन में पढ़ा लिखा है, मॉडर्न छोकरो छे। हाँ जिनल भाभी, और नहीं तो क्या। अरे हमारे सूरज के भी तो कुछ सपने होंगे ना, अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान्स तो बनाए होंगे ना उसने। हो सकता है वहां उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। नहीं हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, मने पूरो विश्वास छे, सूरज केसर से शादी करने के लिए कभी तैयार होगा ही नहीं। वही तो, अंबिका भाभी ने भी तो कहा ही था कि केसर और सूरज की शादी तब तक नहीं होगी जब तक इसमें हम सबकी मर्जी शामिल नहीं होगी, है ना? बेटा तेरी मर्जी हो तो ही शादी के बारे में सोचना, जब तक तुम दोनों तैयार नहीं होगे मैं शादी के लिए कोई दबाव नहीं बनाऊंगी। आपके डिसीजन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है माँ, मैं केसर से शादी करने के लिए तैयार हूं। संस्कारों का मान रखा तूने, पर बेटा याद रखना, शादी वो पवित्र बंधन है जिसे जिंदगी भर निभाना होता है, इसलिए सोच समझ कर अपने मन से पूछ कर ही निर्णय लेना। ये क्या है? देखो कबीर, जितनी जल्दी तुम केसर को हमारे पास लाओगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारी भांजी की शादी उस सूरज के साथ हुई जो हम भी नहीं चाहते, तो तुम्हारे साथ वो सब होगा जो तुमने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं किया होगा। तुम
समझ रहे हो ना कबीर? अरे काहे परेशान हो रहे हो? हाँ, का हुआ? और काहे? उ केसर? अरे अनाथ आदर से उठ के आई, हाँ? बड़े घर की बहू बनने जा रही है। अरे अंबिका बहन, इससे अच्छा तो हमें ही गोद ले लेती। सच्ची क्या किस्मत पाई है वो लड़की। किस्मत? चैती बहन, चीनल, हाँ मैंने कहा था कि आप सबकी मर्जी के बिना ये रिश्ता नहीं होगा, पर उस वक्त हालात अलग थे। किसी को केसर के लिए कोई बैर नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप सब सच्चे दिल से उसे एक मौका देंगे साबित करने के लिए कि ये इस घर की बहू बनने लायक है। पर सच तो ये है, केसर को ये मौका मिला ही नहीं। जयती बहन, दर्शन के साथ जो हादसा हुआ उसने हम सबका दिल तोड़ दिया था, पर अम्बे माँ को साक्षी मानकर सोचिए, क्या उसमें केसर की गलती थी? जीनल, अगर अंशी या रिद्धि धंधे में कोई चोरी होते हुए देख लेते तो तुझे आकर बताते ना, तो केसर ने भी तो वही किया। मैं खोटू शू छे? और इसके सच बोलने से परीन भाई का अपमान कैसे हो गया? मैं आज फिर वही वादा करती हूँ जो मैंने 20 साल पहले किया था। आप सबकी मर्जी के बिना इन दोनों की शादी नहीं होगी। पर समाज में रहने के लिए मर्यादा का पालन भी तो करना होगा, इसलिए सगाई हो जाने दीजिए। इसके बाद आप सबको केसर के जितने इम्तिहान लेने होंगे ले लीजिएगा। हाँ, पर आपको भी खुद के साथ ईमानदार रहना होगा। केसर अपने आप को साबित कर पाए इसलिए आप सबको अपनी नफरत को खत्म करना होगा। हीरे को भी चमकने के लिए रोशनी चाहिए होती है। इसे रोशनी देकर तो देखिए, और फिर सच्चे मन से मौके देकर परखिए इसके दोष, इसके गुण, और फिर पहचानिए कि ये कांच का टुकड़ा है या खरा हीरा। बोलिए अंजूर छे? परिन काका, फोही जीनल काकी, मैं आपके किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे आपका खोया हुआ प्यार वापस जीतना है। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। बाबूजी के वाइटल्स का वीकली रिकॉर्ड है, ब्लड शुगर लेवल्स मैं रोज चेक करती हूँ तो नॉर्मल छे, पर 5 दिन से इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। बा, अंबिका बेन, बापूजी की हेल्थ का बहुत डिटेल रिपोर्ट रखा है केसर ने। गुड जॉब केसर। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, पर सच तो यह है कि जिस हालत में बापूजी है उस हालत में बॉडी के इंटरनल फंक्शंस धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। केसर, अगर कभी स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी कोई इमरजेंसी हो जाए और एम्बुलेंस को आने में समय लग रहा हो तो ये इंजेक्शन बापूजी की जान बचा सकता है, इसे संभाल के रखना। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी क्यों होगी? बात चिंता नहीं करो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, है ना? हूँ, चालू छू। सूरज भैया इज द बेस्ट। अरे ओके 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 गाइस, वन सेकेंड। हाय, एक बात कहनी थी आपसे। मतलब आपको बुरा तो लगता होगा ना उस केसर के वजह से आपको हम सब से ऐसे 20 साल तक दूर रहना पड़ा था। शादी का डिसीजन माँ का है अंश। आई एम हैप्पी टू डू इट।
अंश तू हट। भाई ये देखो, ये है मेरे फ्रेंड की सिस्टर रूपल, IIM से MBA कर रही है। अरे सेकंड भैया ये देखो, ये ना मेरी कजिन की फ्रेंड है शिवानी, पता है न्यूयॉर्क से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर दिए। देखो अच्छी है ना। हाँ, बहुत है ना? अच्छी है। लेकिन भाई बेस्ट चॉइस ना मेरी है। ये देखो, इसका नाम है एकता, ये है चार्टेड अकाउंटेंट, और देखो ऑल इंडिया टॉपर, और कितनी प्रिटी है। आपके लिए परफेक्ट होगी भाई, आपको मिलना चाहिए इससे। हाँ भाई मिल लो। तुम लोग मुझे ये फोटोज क्यों दिखा रहे हो? अरे भैया क्योंकि ये तीनों सुपर अचीवर्स आपसे शादी करना चाहती है। ये तो देख लिया होगा, ये केसर से कितनी बेटर है। और भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप उससे शादी करने के लिए एग्री क्यों हुए। I mean, आप लंदन से आए हो, आप इतने स्मार्ट हो, हैंडसम हो। आप भाई द ट्रूथ इज के केसर आपके सामने ना कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली नहीं, केसर बहुत अच्छी है सूरज भैया। आप इसे छोड़ो, आप ये बताओ इन तीनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, पर मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों भाई? I mean, ऐसा क्या स्पेशल है उस केसर में? आई डोंट नो ध्रुवी, इतने सालों में उससे कोई बात नहीं हुई जो उसे जान पाता। माँ की इच्छा है मैं ये शादी करूं, दैट्स इट। लो इसे चेक कर लो, इसमें से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना? क्या हुआ है केसर, तुम रो क्यों रही हो? देखो जब तक तुम हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता देती ना, तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं है केसर राजगौर। याद है तुम्हें, आज से 8 साल पहले तुम ऐसे ही रो रही थी और तुमने हमसे बात की और तुम्हारा मन हल्का हो गया। अपने आंसू खुद पोछना सीखो, क्योंकि ये दुनिया तो दर्द का व्यापार करने वाली मंडी है जहां पर आंसू पोछने की भी कीमत ली जाती है। बस समय ही बीता है केसर, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। सूरज मुझसे सिर्फ इसलिए सगाई कर रहे क्योंकि इसमें मासू की इच्छा है, उनकी नहीं। और अगर ऐसे में हमारी शादी हो गई तो फिर वो भी मुझसे नफरत करेंगे जैसे बाकी सब करते हैं, और फिर वही रिश्ता मासू की खुशी के लिए निभाएंगे और खुद कभी खुश नहीं रहेंगे। आंसू, सूरज अपने मन से मुझे पत्नी नहीं बनाना चाहती। वो ये सगाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले आपने हम दोनों को एक करने का निर्णय किया था। आप ही कहती है ना मासू, जो रिश्ते दिल से नहीं होते वो बोझ बन जाते हैं। तो मुझे यही डर है कि कहीं ये अनचाह रिश्ता सूरज का जीवन खराब ना कर दे। ऐसा नहीं है कि सर, अगर सूरज को तू पसंद नहीं होती तो वो तुझे कंगन पहनाता ही क्यों? ये सब बेकार की बातें सोच भी मत। उसने तुझे कुछ कहा? वो खुद कभी कुछ नहीं कहेंगे मासूम। वो एक्चुअली आज सुबह जब मैं फैक्ट्री जा रही थी तो उनके कमरे में से हंसने की आवाजें आ रही थी। वो सब इतने खुश लग रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पाँव कब रुक गए, और मैंने उनकी बातें सुन ली। कहीं कुछ गलत ना हो जाए उस डर से तेरा मन घबरा रहा है, मैं समझ सकती हूँ। पर बेटा हो सकता है कि सूरज का वो मतलब ना हो जो तू समझ रही है। 20 साल लंदन में रहकर आया है
उसके कहने सुनने का तरीका हम सबसे अलग है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना बेटा। असल में आज जब तुम भाई बहन इस बारे में बात कर रहे थे, केसर फैक्ट्री जाते वक्त तेरे कमरे के बाहर से गुजर रही थी और उसने, हम लाउडली बात कर रहे थे, इसका मतलब उसे हमारी बातें सुनाई दे गई। उसे लग रहा है कि तुम ये सगाई सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहे हो। केसर से बात कर, उसकी गलतफहमी दूर कर दे। उसे गलतफहमी नहीं हुई है माँ। मतलब उससे जो सुना वो सच है? सूरज, ये शादी तुझे करनी है, जीवन भर ये रिश्ता तुझे निभाना है। केसर ने जैसे पूरे मन से तुझे अपना पति माना है, वैसे ही तुझे ये समर्पण मेरे लिए नहीं, अपने और केसर के इस रिश्ते के लिए करना है। पर ये कैसे पॉसिबल है माँ? I've been away for 20 years. मैंने केसर से कभी बात तक नहीं की है, उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। माँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो मेरी होने वाली वाइफ है, जिसे मेरे लिए मेरी माँ ने सिलेक्ट किया है। That's it. तो क्या ये रिश्ता तेरी मजबूरी है सूरज? माँ, ये रिश्ता आपको खुशी देगा, जो काम आपको खुशी दे वो करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरा फर्ज है। फर्ज समझकर शादी करेगा तो मुझे खुशी कैसे मिलेगी बेटा? जीवन भर का रिश्ता उसी के साथ जोड़ना चाहिए जो दिल से पसंद हो। साथ रहते रहते वो भी हो ही जाएगा माँ, अरेंज मैरिजेस में भी तो ऐसे ही होता है ना। और वैसे भी केसर के बारे में इतना तो जानता हूँ कि वो एजुकेटेड है, बिजनेस में आपका हाथ बटाती है, फैमिली के साथ मैच्योरली बिहेव करती है, खाना बनाना जानती है। एंड द फैक्ट दैट शी इज ओबीडिएंट, दिस इज इनफ फॉर मी। पर ये मेरे लिए इनफ नहीं है सूरज। इस शादी में तुम्हारी इच्छा होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मेरी इच्छा डेवलप होने में तो टाइम लगेगा माँ, केसर के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है। काकी, गैस आना शुरू हो गए हैं। माँ, देयर इज नथिंग टू वरी। आप जानती है ना, आपके हर डिसीजन को मैं हमेशा फुली एक्सेप्ट करूंगा। बा ने अभी सही तो कहा, अरेंज मैरिजेस में ऐसे ही होता है ना। हाँ, ये बात सच है कि सूरज ये शादी सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा है, पर वो आपके बेटे हैं ना मासू। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस रिश्ते को पूरे मन से निभाएंगे। मुझे पहले से ही पता था, सूरज जैसा लंदन में पला बढ़ा मॉडर्न लड़का केसर जैसी लड़की को कभी पसंद करेगा ही नहीं। पसंद करे या ना करे, सगाई कर रहा है वो। अरे यही तो बदलना है जयती बहन। शू कहवा मांगे छे तू हेतर, साफ साफ बोल ले। जीनल भाभी, जयती बहन, अगर सही समय पर आप लोगों ने सही बात कही होती ना, तो ये केसर नाम की मुसीबत हमारी जिंदगी में आई ही नहीं होती। 20 साल पहले जब अंबिका भाभी ने इस केसर को अपने बहू के रूप में अपनाया था, तभी आप दोनों को समझाना चाहिए था उन्हें। तब तो बड़ा साथ दिया था आप लोगों ने उनका, दिया था या नहीं? पर कोई वंदो नहीं, अंबे माँ ने हमें एक मौका और दिया है। कैसा मौका? अंबिका भाभी पर दबाव डालने का मौका, उन्हें ये समझाने का मौका कि बिना पसंद के की गई शादी से जिंदगी नरक बन जाती है। और अगर अंबिका भाभी के सामने उनके संकल्प और केसर और सूरज की खुशियां, इन दोनों चीजों को रख दिया जाए, तो इन दोनों में से वो किसी एक चीज को चुनेंगी, और वो है अपने बच्चों की खुशियां, और खुद ही ये सगाई रोक देंगी। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं मासूम? 20 साल पहले आपने जो निर्णय लिया था भाभी, आज वो पूरा होने जा रहा है। आपने अपने आप को सही साबित कर दिया। आप तो जानती हैं भाभी, सूरज भले ही मेरा भतीजा है, लेकिन मुझे अपनी ध्रुवी से भी ज्यादा प्यारा है।
इसलिए आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, भाभी सूरज केसर के साथ शादी केवल आपके लिए कर रहा है। हेतल सही कह रही है भाभी, मुझे भी नहीं लगता कि सूरज को केसर से कोई लगाव है, और लगाव होगा भी कैसे, आज तक सूरज केसर से कभी मिला तक नहीं, बात तक नहीं की उसने। और नहीं तो क्या भाभी, बात तो बहुत पुराने ख्यालों की है, उन्हें तो आज तक ये लगता है कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को ना बस साथ रहते रहते पसंद करने लगेंगे। पर जमाना बदल गया है भाभी, वहां नहीं समझेंगे इस बात को, और सूरज तो समझना ही नहीं चाहता। सही बात केसर की तो वो तो पहले ही समर्पित कर चुकी है अपने आप को। भाभी मने तो डर लागे छे, कहीं ऐसा ना हो आपके संकल्प का मान रखने के चक्कर में सूरज और केसर की जिंदगी बर्बाद हो जाए।